जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लैम पुलाव। और अगर आपको इसकी रेसिपी रिटर्न इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। फेसबुक का पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चलिए आपको बनाना सिखाते हैं लैम पुलाव। हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने ये देखिए 1 किलो गोश्त ले लिया था लैम का, और साथ में 1 मीडियम प्याज और लहसुन तकरीबन 5 से 6 जवे मैंने ले लिए, नमक 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, और पानी हमें चाहिए होगा 4 ग्लास। हमने सबसे पहले इसकी यखनी बनानी है और गोश्त को गलाना है। इसको हम हंडिया में डाल के तकरीबन थोड़ी देर के लिए गलाएंगे, ज़्यादा हमने फुली इसको गलाना नहीं है, इसको 80% गलाएंगे, क्योंकि फिर 20% जो होगा वो चावलों के अंदर गोश्त गल जाएगा। तो चलिए ये देखिए मैंने पानी इसमें डाल दिया, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त और साथ ही हम प्याज लहसुन गरम मसाला और नमक डाल के, तो अभी हम इस गोश्त को गलाएंगे। डिपेंड करता है गोश्त का कि कितनी देर में गलेगा, हर कंट्री का डिफरेंट हिसाब होता है। तो जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद हमने क्या करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। तो अब हमारा सेकंड स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चावल चाहिए होंगे सबसे पहले हमें, और चावल आप अपनी फैमिली के हिसाब से आप भिगो सकते हैं। मैंने यहाँ अपने 2 ग्लास लिए और 1 किलो गोश्त लिया है। तो चलिए आपको दूसरी चीज़ें लिखवा, ये पुलाव का सेकेंड स्टेप है और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी लिख लीजिए। 1 कप हमें ऑयल चाहिए होगा और 1 कप हमें दही, और 4 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट बना ली यहाँ पे, नमक ज़रूरत के मुताबिक चाहिए होगा, और ये देखिए 1 फुल बंच मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया, 1 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ले ली और उसको इस तरह पतला काट लिया, 0.1 टेबलस्पून, और सब्ज़ इलायची देखिए 5 से 6 हैं, लौंगे 10 ली हैं, मोटी इलायची काली 3 ली हैं, और काली मिर्ची यहाँ आपको नज़र आ रही होगी 1 टेबलस्पून भर के, स्टार एनीस 1 लिया है मैंने, और जायफल जावित्री हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून भर के, और 2 सब्ज़ मिर्ची यहाँ मैंने ले ली हैं। तो चलिए आपको अब बनाना सिखाते हैं पुलाव। ये देखिए हंडिया में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर सारे मसाले साबुत डाल देंगे, जायफल जावित्री को निकाल के वो हमने एंड पे डालनी है चावलों के, और मसाला इस तरह थोड़ा पक जाए तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मसाले पक चुके हैं तो इसमें प्याज डाल देते हैं, और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है हाई हीट पर रखें। देखिए पुलाव के लिए इतने डार्क प्याज होने चाहिए, और अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, प्याज का कलर निकालना है। इतना डार्क प्याजों का कलर होना चाहिए, और क्योंकि हमने पुलाव बनाना है तो पुलाव में थोड़ा सा कलर तो लाती हो, और देखिए इसका एक गोल्डन सा कलर निकल आया है। और अभी हमने क्या करना है कि इसको 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, और साथ ही हम डाल देंगे दही 1 कप जो आपको लिखवाया था, और डाल के इसको थोड़ा सा भूनते हैं 1 मिनट के लिए हाई हीट पर। जी देखिए अभी हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे और यखनी हम अलग कर देंगे, ये देखिए इस तरह, और गोश्त को हमें इतना भूनना है कि थोड़ा सा ये गोल्डन सा कलर आ जाए गोश्त के ऊपर, और जो हमने इसके दही डाला है इसके अंदर और उसका पानी वगैरह सब ड्राई हो जाए। ये देखिए इस तरह सारा गोश्त हमने डाल दिया। तो अब हम इसको अच्छी तरह भूनते हैं हाई हीट रख के हम इसको 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट के लिए गोश्त मैंने भूना है, जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज वगैरह दही सब कुछ इसके अंदर पक चुका है। सब्ज़ मिर्ची डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि हीट हाई रख के इसको भूने आप लोग। जी ये देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुका है, और इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो यखनी बनाई थी हमने वो डाल देंगे, और यखनी के अंदर से हमें प्याज लहसुन कुछ चीज़ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसके अंदर ही जाने देंगे।
और चावल देखिए मैंने आपको जो दिखवाए थे मैंने इनको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अच्छे पानी से धो लिया है, साफ़ पानी से। तो अब वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद इसको करेंगे मिक्स। और यहाँ चावल जो मैं बनाती हूँ उनका अंदाज़ा मैं ऐसे रखती हूँ कि जो चावल हैं तकरीबन 2 घंटे 1.5-2 घंटे के लिए भिगोए हों और जब आप पकाएं तो उससे पानी 2 इंच ऊपर होना चाहिए। तो अभी देखिए अभी थोड़ा पानी है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी जी। ये देखिए 1 कप मैंने पानी और डाला है इसके अंदर देखिए अब। और इस हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया और जायफल जावित्री जो आपको लिखवाई थी वो डाल दी। और एक और चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें लेमन जूस इसके अंदर आप डाल लें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि ये चावल अच्छे खिले बनते हैं, खुशबूदार बनते हैं। तो वो डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। तो अगर इस स्टेज पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप धनिया नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पुलाव के अंदर, इस पुलाव के अंदर धनिया अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और देखिए सब चीज़ें हमने डाल दी, अब आपने इसका नमक टेस्ट करना है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप ऐड कीजिए, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि नमक इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा हो, करारा हो, तभी चावलों के अंदर पूरा होता है। तो आप इसको बॉयल आने तक इंतज़ार कीजिए। देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने पे है और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर आप अपने अंदाजे से इसको दम पे लगा सकते हैं, जैसे आप तवे के ऊपर रख के बनाना चाहें या फिर आप वैसे इसको दम पे लगाना चाहें, कपड़ा दे के लगाना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो मैं दम देती हूँ मैं ऐसे ही देती हूँ, ढक्कन दे देती हूँ ऊपर और इसकी हीट बिल्कुल स्लो कर देती हूँ 5 मिनट के लिए, और फिर 5 मिनट के लिए गैस ऑफ करके इसको दम पे रखती हूँ। तो जैसे आप अपने चावल बनाती हैं उस हिसाब से आप दम पे इसको लगा सकते हैं। तो अभी देखिए पानी अभी थोड़ा सा है इसके अंदर, अच्छी तरह ये ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए चावलों के अंदर से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसको दम दे देते हैं। तो दम देने के बाद फिर आपको आके मैं दिखाऊँगी इनका फाइनल लुक। ये रहा फाइनल लुक चावलों का, दम आ चुका है और ये देखिए चावल और बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।